राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान गणेश पर दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है और इसकी पौराणिक कहानी भी सुनाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, भगवान गणेश के पूजन में दुर्वा या फिर दूब घास का विशेष महत्व होता है। यह भी मान्यता है कि भगवान गणेश के पूजन में दुर्वा चढ़ाने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा के अनुसार अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच में खींचतान हुई। इस खींचतान में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर जहां गिरी वहां पर दुर्वा उगी हुई थी। माना जाता है कि इसी कारण ही दुर्वा अमर है और कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती हैं। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि भगवान गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? तो आइए हम आपको इसके पीछे की पौराणिक कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्ग और धरती पर बहुत ही आतंक मचा रखा था। सभी देवता और ऋषि मुनि उसके आतंक से त्राही त्राही कर रहे थे। इसलिए देवराज इंद्र ने सभी देवताओं और ऋषियों मुनियों के साथ महादेव से अनलासुर के आतंक को समाप्त करने का अनुरोध किया। महादेव ने देवराज इंद्र को बताया कि अनलासुर का वध केवल गणेश ही कर सकते हैं। भगवान गणेश ने देवताओं और ऋषि मुनियों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। गणेश जी ने अनलासुर को अपने लंबे उदर में निगल लिया। इस तरह से धरती और स्वर्ग को अनलासुर के आतंक से मुक्ति मिल गई। लेकिन अग्नि की तरह गर्म अनलासुर को निगलने के कारण गणेश जी के पेट में जलन होने लगी। तब ऋषि कश्यप ने भगवान गणेश को एक एक करके 21 गांठ दुर्वा खिलाई, जिससे उनके पेट की जलन शांत हुई। दोस्तों, तब से मान्यता है कि भगवान गणेश को पूजन में दुर्वा चढ़ाने की परंपरा विकसित हुई। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली जानकारियों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।